नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। घाटी हो या गलवान, दुश्मनों को जवाब देगा बलवान। और बलवान को हिंदुस्तान लाने वाले टीम का एक नाम है हेलीसर, हिलाल अहमद रथर। रथर को ही हवा के महारथी हेलीसर कहकर पुकारते हैं। फ्रांस से राफेल का आना इतना आसान नहीं होता अगर हिलाल अहमद ना होते। घाटी में रहने वाले हिलाल अहमद जैसे अफसर जब तक हिंदुस्तान में है तब तक मातृभूमि हमारी सुरक्षित है। हेलीसर और राफेल का रिश्ता कितना गहरा है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाले हिलाल अहमद वो शख्स है जिन्होंने कोरोना काल में भी फ्रांस की सरकार और राफेल बनाने वाली कंपनी को जोर दिया कि राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी समय पर की जाए, और उसी का नतीजा ये निकला कि राफेल तय समय पर भारत पहुंचा। हिलाल अहमद इस समय फ्रांस के भारतीय दूतावास में तैनात हैं। ये फ्रांस में एयर अटैच पद पर तैनात हैं। इन्होंने राफेल डील से लेकर डिलीवरी तक अहम भूमिका निभाई है। राफेल की समय पर डिलीवरी कराने के लिए हिलाल अहमद की बड़ी भूमिका रही है। हिलाल अहमद रथर वर्तमान में फ्रांस में भारत का एयर अटैच के पद पर तैनात हैं। हिलाल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के बख्शीबाद में रहने वाले हैं। उन्होंने इलाके के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है। एयर कमांडो हिलाल अहमद को साल 1988 में एयरफोर्स में कमीशन किया गया था। वो अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट के एयर कमांडर बन चुके हैं। हिलाल के पिता दिगवंत मोहम्मद अब्दुल्ला रथर जम्मू एवं कश्मीर में डीएसपी थे। हिलाल की तीन बहनें हैं और उनके माता पिता के वे एक लौते पुत्र हैं। हिलाल को वायुसेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। मिराज 2000 मिग 21 और किरण विमानों पर 3000 घंटों की दुर्घटना मुक्त उड़ानों के निष्कलंक रिकॉर्ड के साथ हिलाल का नाम अब भारत में राफेल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। बताया जा रहा है कि वो एनडीए में स्क्वाड ऑफ ऑनर भी जीत चुके हैं। ट्विटर पर अनंतनाग टॉप ट्रेंड में है। कश्मीर के लोग इस बात पर फख्र कर रहे हैं कि राफेल में बैठने वाला पहला व्यक्ति उनके अनंतनाग का निवासी है। बता दें, इन 5 राफेल लड़ाकू विमानों को बुधवार दोपहर वायुसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है।